हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम हांडी में चिकन बनाएंगे। चिकन हांडी, आधी किलो चिकन ले लिया है और इसमें 3 से 4 चम्मच मैं दही लगा लूँगी। चिकन में दही भी ले लिया है मैंने। 2 प्याज ले लिए हैं, 2 हरी मिर्च, छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 8-10 लहसुन की कलियाँ, साबुत सारे खड़े मसाले जो भी थे मेरे पास मैंने सारे ले लिए। चक्री फूल है, लौंग है, काली मिर्च है, छोटी इलायची 4 हैं, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी है और ये पत्थर का फूल जो होता है ये छोटा सा टुकड़ा, और थोड़ा सा जायफल भी डाल लेंगे हम रगड़ के। पीसे मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, ये तीखी लाल मिर्च नहीं है, 1/2 चम्मच मैंने मीट मसाला ले लिया। आपके पास जौन सा भी मीट मसाला हो, चिकन मसाला हो, वो ले सकते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी ले ली है और इधर हम साथ में चावल बनाएंगे, तो चावल 1 कटोरी मैंने भिगो लिया था, चावल भी आज हम हांडी में बनाएंगे। आप इसे सरसों के तेल या घी में जिसमें बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मैंने 1 कड़छी घी ले ली है, देसी घी, इसमें बनाएंगे। तो प्याज, ये सारा सामान हम चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, आप पीस के भी डाल सकते हैं इन्हें। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अभी मैंने नमक निकाला नहीं है यहाँ पे, तो नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। पहले 3 से 4 चम्मच दही डाल लेते हैं। तो इसे हम दही से बना रहे हैं तो टमाटर नहीं डालेंगे, आप टमाटर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। नमक डाल लिया है, जितना हमें सब्जी में डालना है नमक उस हिसाब से मैंने ले लिया है। मैं इसी में ये कसूरी मेथी डाल लूंगी और सारे सूखे मसाले इसी में डाल लेंगे जितने भी लिए हैं मैंने। ये नमक मैं डाल चुकी हूँ, इसे मिक्स करके जब तक हम प्याज वगैरह भुनेंगे, जब तक ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रहेगा, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने 1 कटोरी चावल भिगो लिए थे कम से कम 10 मिनट पहले, पानी उबलना शुरू हो गया है तो 2 कटोरी पानी डाल लिया मैंने। ये बासमती चावल है, इसमें इतना ही पानी लगेगा और एक उबाला आ जाएगा चावल मिलाने के बाद, तो इसे हम सिम गैस पे रख देंगे ढक के। इधर मैंने गैस जला ली है, अब मैं इसमें ये हरी मिर्च ली थी मैंने 2 ऐसी 2 टुकड़े करके डाल लेती हूँ इसमें, और सारे गरम खड़े मसाले डाल लेंगे यहीं पे। चावल में उबाला आने लग गया तो 1 चम्मच घी डाल लेते हैं इसमें और इसे एक बार चला लेंगे। आप इसमें नमक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसे सिम गैस पे कर दिया मैंने, तो अब हम इसे ढक के पका लेंगे। खड़े मसाले चटकने लग गए हैं, अब जीरा और सौंफ डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैंने जीरा और सौंफ ले लिया था, दोनों मिला के 1 चम्मच हो गया है। बस हल्का सा ये भून जाए, थोड़ा सा खुशबू आने लग जाए, फिर हम प्याज डाल लेंगे। मैंने सब कुछ इसी में कर लिया है, प्याज अदरक लहसुन। प्याज को हमें थोड़ा ही भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकलता है, उसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे और धीरे धीरे ये पकता रहेगा। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने भून लिया है प्याज को हल्का हल्का, या आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं भूना है इसे। अब मैं इसमें ये सारा चिकन मिला लूँगी और इसे हम दम पे पकाएंगे, ये अपने आप कलर छोड़ेगा सारा सारा इसमें डाल देंगे ये अच्छी तरह, और गैस को कम रखेंगे। कम से कम इसे 1/2 घंटा लगेगा पकने में, सिम गैस पे पकता रहेगा ये। आप चाहते हैं इसको थोड़ा आटा लगा के ढक के तो ढक सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ढक्कन लगा के इसे पका सकते हैं। तो मैं थोड़ा आटा लगा ही दूंगी इसमें ताकि भाप ना निकले इधर उधर से। 1/2 घंटा हो गया है और इसमें मैंने आटा भी लगा लिया था, गैस को बंद कर लेते हैं। अब इसे खोल लेंगे आराम से, अब इसमें थोड़ा सा जायफल डाल लेंगे ऊपर से, एक बार इसे चला लेते हैं। और मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, अपने आप इतनी सारी ग्रेवी हो गई है इसमें पकते पकते ही। चावल भी तैयार हो गए हैं, निकाल लेते हैं इसे भी।